दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में रविवार को पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह की स्मृति में उनके द्वारा रचित वनस्पति विज्ञान की पुस्तक ऑन इंट्रोडक्शन टू जिम्नोस्पर्म एंड पैलोबॉटनी पुस्तक का विमोचन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह, डॉक्टर सदानंद गुप्ता, डॉक्टर मनीषा शाही, डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह, डॉक्टर विश्वमोहन भाटिया की मौजूदगी में पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का प्रकाशन दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज की ओर से किया गया है। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह की स्मृति में पुस्तक विमोचन के मौके पर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह, डॉक्टर सदानंद गुप्ता, डॉक्टर मनीषा शाही, डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह, डॉक्टर विश्वमोहन भाटिया सहित उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थीगण मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मैं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रिंसिपल दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। हम लोग आज यहाँ पर डॉक्टर डीपीएन सिंह जी, जो यहाँ बॉटनी के एसोसिएट प्रोफेसर थे, एक छोटे से कालखंड में उन्होंने कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में भी दायित्व संभाला था, उनके प्रेरणा से और उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसे महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल धूसरण ने प्रकाशित कराया है, उसी पुस्तक का लोकार्पण हम लोग यहाँ कहे हैं उनकी पुण्यस्मृति में। और यह सौभाग्य है कि मंच पर आज जिन विद्यार्थियों को शिक्षा उन्होंने दी थी, उसमें से ख्यातिलब्ध चिकित्सक जो पीजीआई के आई डिपार्टमेंट में हैं, डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह, गोरखपुर में डॉक्टर पीएन सिंह, डॉक्टर मनीषा शाही, डॉक्टर विश्वमोहन भाटिया, ये सभी उनके बीएससी के विद्यार्थी रहे और यही आज मंच पर हैं जो उनके पुस्तक का लोकार्पण किए हैं। डॉक्टर डीपीएन सिंह जी इस महाविद्यालय में 1976 से थे लेक्चरर के पद पर। उनका जो पूरा जीवन था वो संत का जीवन था। गृहस्थ जीवन में एक संत कैसे रह सकता है, एक आदर्श शिक्षक कैसा हो सकता है, उसके परिचायक थे वो। हम सभी को बहुत गर्व है इस संस्था पर और डॉक्टर डीपीएन सिंह जी पर। उनका मधुर स्वभाव, विद्यार्थियों के लिए निरंतर चिंतन, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, हिंदी माध्यम
के जो विद्यार्थी हैं जो यूपी बोर्ड से पास होकर के आए वो किस प्रकार से बीएससी में शिक्षा प्राप्त कर सकें और कहीं से भी अंग्रेजी उनके लिए बाधक न हो, इसके लिए उन्होंने हिंदी माध्यम से बीएससी की भी शिक्षा दी। 2014 में जुलाई में उन्हें चार्ज मिला। एक प्रिंसिपल के रूप में भी उन्होंने बहुत कड़े कानून नहीं बनाए बल्कि एक नियम बना दिया और उस नियम का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया और पूरी प्रवेश प्रक्रिया जो उनके देखरेख में हुई वो बहुत ही सरल, सहज और पारदर्शी थी। विद्यार्थी भी कहीं परेशान नहीं हुआ, अभिभावक भी कहीं परेशान नहीं हुआ। तो इस प्रकार वह अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपनी सादगी से, अपनी सहजता से सामने वाले को अभिभूत कर देते थे, प्रेरणा देते थे। तो ये महादिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि हम ऐसे अपने महान शिक्षक की पूर्ण स्मृति में आज महाविद्यालय के सभागार में उनके द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम कर रहे हैं और इस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और शायद उनका वह कृतित्व तो आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा भी बनेगा। हम इस अवसर पर एक बार पुनः उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं।